करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्वविख्यात हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान समारोह में शामिल होंगे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने वाले बघेल पहले सीएम होंगे। आपको बता दें कि वे यहां पर पहुंचे हैं, लगातार वो वहां पर अपना दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर पहुंचकर राजनीतिक विषय पर, वे प्रजातांत्रिक भारत की जाति और राजनीतिक विषय पर अपने विचार भी रखेंगे। बघेल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटी वेनिस में यहां के औद्योगिक प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अमेरिका प्रवास का पहला पड़ाव पूरा कर लिया और पहले पड़ाव में अमेरिकी निवेशकों से छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। अगले पड़ाव के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आरपी मंडल व अफसरों का दल बोस्टन के लिए रवाना हुआ और इससे पहले मुख्यमंत्री ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के इंडिया कम्युनिटी सेंटर सेंट जोस में सिलिकॉन वैली के द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीयों को संबोधित भी किया। छत्तीसगढ़ में निवेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सैन फ्रांसिस्को के सिलिकॉन वैली और रेडवुड सोर्स में ऑटो ग्रिड सिस्टम के औद्योगिक प्रतिनिधियों और निवेशकों से भी सीधी चर्चा की। उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत में शीर्ष राज्यों में शामिल है और भूपेश ने निवेशकों को बताया कि छत्तीसगढ़ निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यह केंद्र में है, यह बेहतर कनेक्टिविटी यहां पर और राज्य की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए काफी अनुकूल है। अधिक जानकारी से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए लगातार मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच के जो उनका दौरा है जो तीसरा दिन तकरीबन है और ऐसे में वो निवेशकों को हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लुभाने की जो आकर छत्तीसगढ़ में निवेश करें। हालांकि छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर काफी ज्यादा अभी भी देखा जाए वन क्षेत्र है, मिनरल्स हैं और काफी संभावनाएं व्यापार के लिए हैं वहां पर। देखिए निश्चित तौर पर दीपक, निवेश की संभावनाओं को तलाशने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 दिन के अमरीकी दौरे पर गए हुए हैं। उनके साथ मुख्य सचिव आरपी मंडल और उनके जो प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमरीका दौरे का पांचवा दिन है और आज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस आयोजित है, इंडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें वो शामिल होंगे और उसमें वो अपनी बात रखेंगे। जो विषय चुना गया है वो प्रजातांत्रिक भारत में जाति और राजनीतिक विषय है और इसी विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर अपनी बात रखेंगे। दो दिनों का ये कॉन्फ्रेंस है, 15 और 16 फरवरी को जो पूरा का। इसके अलावा पूरे दौरे की बात की जाए तो निश्चित तौर पर दौरे का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका का एक दल है वो छत्तीसगढ़ आने वाला है, जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर यहाँ का जो नई चीजें यहाँ पर हुई है, कई जो इतिहास यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने रचा है, उस इतिहास और उस कामयाबी को यहाँ पर देखने अमेरिका का एक दल यहाँ पर आएगा इस तरीके से। इसके अलावा निवेश की संभावनाएं वहां पर लगातार दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहां के अलग अलग उद्योगपतियों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ में निवेश करें, तो ये तमाम चीजें वहां उनके दौरे को लेकर हो रही है। इसके अलावा कई जगहों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल घूमने गए थे, अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ जो चुनिंदा जगह है अमेरिका का वहां पर वो एक तरीके से देखा जाए तो पर्यटक के रूप में घूमने भी गए थे। तो पूरा उनका दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज उनके दौरे का पांचवा दिन है और पांचवें दिन कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसमें वो व्याख्यान देंगे और उसके बाद फिर लगातार कई समूहों से वो अपने दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने वाले वो पहले एसोसीएम होंगे जो वहां पर व्याख्यान करेंगे। हम अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे। हेमंत, हमारे साथ लगातार बने रहेगा। विरापुर से ही बड़ी खबर, जहां पर 50 लाख की लूट के मामले में